मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर कंप्यूटर चैप्टर 3, इंट्रोडक्शन टू विंडो 10। विंडो 10 में आप क्या क्या पढ़ेंगे? डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है, आउटलाइन द फीचर ऑफ विंडो 10। विंडो 10 के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड स्क्रीन सेवर। आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे अपने कंप्यूटर में चेंज कर सकते हैं और स्क्रीन सेवर कैसे चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लोर द कंपोनेंट ऑफ द टास्क बार। टास्क बार के कंपोनेंट को आप कैसे एक्सप्लोर यानी कि देख सकते हो। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट ऑल्सो मैनेज ऑल द इनपुट एंड ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जो कि कंप्यूटर्स में होते हैं उसको मैनेज करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। यू कैन नॉट प्ले अ गेम और लिसन टू अ सॉन्ग इफ़ देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कंप्यूटर। आप कोई भी गेम प्ले नहीं कर सकते हो, आप कोई भी सॉन्ग नहीं सुन सकते हो अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ तक कि आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हो। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम नो वर्क यू विल डू ऑन कंप्यूटर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। पहला है आपका विंडोज़, सेकेंड लिनक्स, उबंटू एंड रेड हैट, थर्ड है आपका मैक ओएस। डेस्कटॉप आपका क्या होता है? डेस्कटॉप हमारा हिदान स्विचेस ऑन द कंप्यूटर। व्हाई इज़ इट टॉकिंग सो मच टाइम, आस्क अर्शद। द ग्रैंडफादर रिप्लाइज, दिस इज़ बिकॉज द कंप्यूटर फॉलोज सम सीक्वेंस ऑफ एक्शन। कंप्यूटर हमारा कुछ एक्शन परफॉर्म करता है सीक्वेंस में, वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप, स्टार्ट होने के लिए, उसे हम बूटिंग कहते हैं। हमारा कंप्यूटर जो स्टेप ऑफ एक्शंस करता है कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है? बूटिंग। वंस द कंप्यूटर इज़ बूटेड, अगर एक बार कंप्यूटर बूट हो जाता है तो आप कंप्यूटर में उसकी स्क्रीन और उसकी पिक्चर्स यानी कि आइकन्स देख सकते हो। जब आप वो स्क्रीन और आपके आइकन्स खुल के आपके सामने आ जाते हैं तो उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप, आपके डेस्कटॉप में टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, पहला आपका आइकन्स एंड सेकेंड हो गया आपका टास्क बार। बेटा नेक्स्ट है आपका आइकन। आइकन आपका क्या होता है? सम स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप। जब हम डेस्कटॉप ओपन करते हैं, ये देखिए ये है आपका डेस्कटॉप। तो जब हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारा ओपन हो जाता है तो हमारे सामने डेस्कटॉप ओपन होके आ जाता है, तो ये जो छोटे छोटे ऐप्स आपको दिख रहे हैं आपके सामने, इसी को हम क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। ठीक है बेटा। और आपका टास्क बार क्या होता है? ये जो आपके नीचे आपके कुछ ऐप्स यानी कि आइकन्स दिखते हैं तो इसको हम टास्क बार कहते हैं। और जो स्क्रीन में जो माय कंप्यूटर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारी चीज़ें, रिसाइकल बिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं छोटी छोटी पिक्चर्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। अब एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट आइकन आप कैसे सेलेक्ट करोगे कंप्यूटर में? टू सेलेक्ट द एडजेसेंट आइकन, क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकन। पहले आप फर्स्ट आइकन में क्लिक करोगे, होल्ड डाउन द शिफ्ट की, आप शिफ्ट की को दबाए रखोगे एंड क्लिक ऑन द लास्ट आइकन टू बी सेलेक्टेड, और फिर उसके बाद लास्ट आइकन में क्लिक करोगे, फिर शिफ्ट की को आपको छोड़ देना है, आपका आइकन एडजेसेंट हो जाएगा। नॉन एडजेसेंट आइकन के लिए क्या करना है? आपको पहले कंट्रोल की को प्रेस किए रहना है, उसके बाद आइकन में सारे आइकन्स में क्लिक करने हैं वन बाय वन करके, और फिर कंट्रोल की को छोड़ देना है, आपके सारे आइकन नॉन एडजेसेंट हो जाएंगे। ओके बेटा, एडजेसेंट का मतलब होता है आपके पूरे आइकन सेलेक्ट हो जाना, ठीक है। नॉन एडजेसेंट का मतलब होता है सेलेक्टेड से रिलीज हो जाना। अब आइकन्स को आप कैसे शॉर्ट करोगे? शॉर्टिंग द आइकन्स,
आप अपने आइकन्स को बहुत टाइप से शॉर्ट कर सकते हो। पहला हो गया आपका नेम, बाय नेम अपने आइकन को आप शॉर्ट कर सकते हो। फिर साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपने आइकन्स को अपने कंप्यूटर में शॉर्ट कर सकते हो। आइटम टाइप्स को भी डेट मॉडिफाइड, नेम का मतलब जैसे आपका अल्फ़ाबेटिकली आपके आइकन्स हो जाएंगे। नेम पे अगर आप सेलेक्ट कर देंगे शॉर्ट बाय में, सबसे पहले कंप्यूटर जब आपका ओपन हो जाएगा तो आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा आपका। जैसे आप कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हो, रिफ़्रेश के ऊपर एक ऑप्शन आएगा शॉर्ट बाय, उस पर क्लिक करेंगे, फिर नेम साइज़ आइटम टाइप डेट मॉडिफाइड का ऑप्शन आएगा। तो आप अगर आप नेम में क्लिक कर देते हो तो नेम से होगा कि ए बी सी डी ई एफ जैसे आपके आइकन्स हैं वैसे वो सेट आउट हो जाएंगे। फिर सेकंड अगर साइज़ में क्लिक करते हैं तो आइकन जो आपका सबसे बड़ा है वो पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। आइटम टाइप हो गया आपका, जैसे आपने आइटम इंस्टॉल किए होंगे वैसे आ जाएगा। डेट मॉडिफाइड, आपने जिस डेट में इंस्टॉल किए होंगे फिर उस हिसाब से सेट आउट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है शॉर्टिंग द आइकन्स। हाइडिंग द डेस्कटॉप आइकन, आप डेस्कटॉप आइकन को कैसे हाइड करोगे? आपको अपने कंप्यूटर जब आपका ओपन हो जाएगा तो आपको राइट क्लिक करना है, माउस में राइट क्लिक करना है, उसके बाद उसमें ये आपके मेन्यू ओपन होके आ जाएगी। तो रिफ्रेश के ऊपर आपका सबसे पहला ऑप्शन आएगा व्यू, व्यू में क्लिक करने के बाद ये मेन्यू खुल के आएगी। जब ये मेन्यू खुल के आएगी तो शो डेस्कटॉप आइकन, इसमें ये आपका एक ऑप्शन आएगा, उस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके डेस्कटॉप आइकन शो होने लगेंगे। अगर इस पर फिर से क्लिक कर दोगे तो ये टिक हट जाएगा, तो आपके डेस्कटॉप आइकन हाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, आप माउस में पहले राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी ये मेन्यू खुल के आ जाएगी। सबसे पहले व्यू में क्लिक करना है, व्यू में क्लिक करने के बाद आपकी ये मेन्यू खुलेगी, फिर उसमें शो डेस्कटॉप आइकन का ऑप्शन आएगा। डेस्कटॉप आइकन जब आपका आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर क्लिक करने के बाद टिक लग जाता है तो आपके आइकन्स आपके डेस्कटॉप में शो हो जाएंगे। फिर आप क्लिक करोगे, ये टिक हट जाएगा, उसके बाद आपके आइकन्स डेस्कटॉप से क्या हो जाएंगे? हाइड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर आपका टास्क बार आ गया। आपका टास्क बार क्या होता है? टास्क बार आपका ये होता है, स्टार्ट बटन के बगल में जितने भी ये आइकन्स का जिस लाइन में ये आपके आइकन्स होते हैं उसी लाइन को हम टास्क बार कहते हैं। ये आइकन्स को टास्क बार नहीं कहते, ये जो लाइन पे आपके पूरा दिया होता है डेट टाइम, इसको हम पूरे को टास्क बार कहते हैं। स्टार्ट बटन, फिर आपके कंप्यूटर में स्टार्ट बटन कहाँ होती है? ये है आपके स्टार्ट बटन, जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो ये आपकी स्टार्ट बटन है। फिर है आपका सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स आपका कहाँ होता है? ये है आपका सर्च बॉक्स है सेकंड, तो आपका सर्च बॉक्स स्टार्ट बटन के जस्ट बगल में आपका सर्च बॉक्स दिया है। ये देखिए लिखा है सर्च द वेब एंड विंडोज़, इस पर आप कुछ भी टाइप करोगे, जो भी आपको आइकन चाहिए, यानी कि जो भी जिस प्रोग्राम पे आप वर्क करना चाहते हो, अगर आपको वो प्रोग्राम इसमें नहीं मिल रहा है तो इसमें टाइप कर दीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में वो प्रोग्राम होगा तो इंटर करने के बाद आपका वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। उसके बाद टास्क बार की बटन्स कहाँ होती हैं? ये है आपकी टास्क बार की बटन्स, इस लाइन को, इसको हम टास्क बार कहते हैं। और टास्क बार बटन्स हमारी ये होती हैं, जो आइकन्स हमारे टास्क बार पे होते हैं, ये हमारी टास्क बार बटन है, ये टास्क व्यू बटन है, इस तरह का जो आपका बना होता है वो एप्लीकेशन शॉर्टकट है, जो आपका ये बना होता है कंप्यूटर में वो रनिंग एप्लीकेशन है। ओके, इसके बाद आपके आगे आपका नोटिफिकेशन एरिया, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया हो गया। ये देखिए नोटिफिकेशन एरिया आपका ये यहाँ होता है, ये टास्क बार, फिर ये टास्क बटन, फिर उसके बगल में ये देखिए ये आपका दिया गया है, ये आपका दिया हुआ है डेट टाइम, डेट टाइम सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। ये दिया हुआ है, वाईफाई, बैटरी आपकी बताता है कंप्यूटर में कितनी है, साउंड है, ये डेट
और टाइम बताता है, ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है कंप्यूटर में। अब आप कंप्यूटर में बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे अपने, पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया। आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप में राइट क्लिक करना है ब्लैंक एरिया में, खाली जगह पे। आपके सामने एक मेन्यू खुल के आएगी, उस मेन्यू में पर्सनलाइज का ऑप्शन होगा। जब आप राइट क्लिक करोगे अपने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में तो ये मेन्यू खुल के आएगी, उसमें पर्सनलाइज का ऑप्शन होगा। पर्सनलाइज पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मेन्यू खुल के आ जाएगी, उसके बाद सेटिंग विंडो अपेयर्स, यानी कि सेटिंग की एक मेन्यू खुल के आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड पेन ओपन्स, उसके बाद ये देखिए ये बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा। बैकग्राउंड ऑप्शन में आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने पिक्चर्स, कलर्स, स्लाइड शो, सारी चीज़ें ये देखिए ये खुल के आ गई। पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज का ऑप्शन आएगा, फिर पर्सनलाइज पे क्लिक करना है, आपको सेटिंग विंडो खुलेगी। सेटिंग विंडो खुलने के बाद आपको बैकग्राउंड में क्लिक करना है। बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इमेजेस कलर्स आ जाएंगे। फिर जो भी आपको अपने डेस्कटॉप में लगाना है उसमें क्लिक करिए और सेलेक्ट का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए, आपकी डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ओके, स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर में क्या करना है, ओपन द सेटिंग विंडो। आपको सेटिंग विंडो ओपन करनी है, फिर लॉक स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप सेटिंग विंडो ओपन करेंगे तो आपके सामने आएगा लॉक स्क्रीन का ऑप्शन। ये सेटिंग विंडो ओपन किया, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आया, उसके बाद अंडर बैकग्राउंड सेलेक्ट द विंडोज स्पॉटलाइट पिक्चर। उसके बाद जब आप लॉक स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बैकग्राउंड खुल के आएगा, उसमें पिक्चर्स, स्पॉटलाइट, स्लाइड शो, सारे ऑप्शंस होंगे। जिस जो भी आपको यूज़ करना है उस पर क्लिक कर दीजिए और सेलेक्ट का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए, आपकी स्क्रीन सेवर भी चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क इन योर ग्रुप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।